अब बड़ी खबर आ रही है जहां जमीन घोटाले में सीएम से फिर पूछताछ होगी। आपको बड़ी खबर इस वक्त ही बता रहे हैं जहां 27 से 31 जनवरी के बीच ये पूछताछ होगी। ईडी के अनुसंधान पदाधिकारी ने पत्र भेजा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जमीन घोटाला से जुड़े मामले में ईडी सीएम से फिर पूछताछ करी। 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ होगी। उन्हें पूछताछ के लिए पेश होना है। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में फिर उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा गया है 27 से 31 जनवरी के बीच। और राकेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए। राकेश, फिर से सीएम को समन जारी हुआ है जहां उन्हें 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए बुलाया गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए इससे पहले जो पूछताछ हुई थी 20 तारीख को, उसमें कई सारी चीजें निकल कर आई और उसके बाद से ही इस बात को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही थी कि क्या एक बार फिर पूछताछ के लिए ईडी जो है वो अप्रोच कर सकता है, और ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि ईडी जो है वो दोबारा मुख्यमंत्री से पूछताछ कर सकता है। तो अब देखिए ये चीजें निकल कर आ चुकी हैं। 27 से 31 जनवरी के बीच मुख्यमंत्री को एक बार फिर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अगर मुख्यमंत्री पूछताछ में शामिल होते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर जिस तरीके से 20 तारीख को ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और मुख्यमंत्री से पूछताछ की थी, तो हो सकता है कि उसी तरीके से एक बार फिर ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और उनसे पूछताछ करे। तो ये जो पूरा मामला है जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है, और इसी मामले में पूर्व में मुख्यमंत्री से पूछताछ हो चुकी है। अब एक बार फिर ये चीजें निकल कर आई हैं कि संबंध हुआ है मुख्यमंत्री को, और 27 से 31 जनवरी के बीच उनको ये कहा गया है कि आप ईडी कार्यालय पहुंचे और जांच में सहयोग करें। जी सोनाली, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे, जमीन घोटाले से के मामले में सीएम से फिर पूछताछ होगी। 27 से 31 जनवरी के बीच उन्हें बुलाया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।